हेलो दोस्तों, चलिए आज हम टिक्की वाला थालपोस बनाएंगे। डिजाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके लिए देखिए, हम ये दो रंगों का उलन लिए हैं, सफ़ेद और मैरून कलर, और क्रोशिया है 2 नंबर का, 1.5 mm का है ये। 4 प्लाई का उलन है ये, देखिए। तो डिजाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो पहले हम नॉट लगा के चेन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन कर लेंगे। फर्स्ट वन में लेके ज्वाइंट करेंगे हम ऐसे। अब उसके बाद से 1, 2, 3, 4, 4 चेन, डबल फंदे और ट्रिबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 1, 2, 3, देखिए, डबल फंदे, ट्रिबल क्रोशिया, ऐसे 3 बना लिए। चार, पांच, तो हम ऐसे बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। तो हमने राउंड में पूरा 18 ये बना लिया, त्रिबुल क्रोशिया, यानी 18 त्रिबुल क्रोशिया हमने बना लिया है। फर्स्ट वन में लिए के हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, देखिए। अब यहीं पे हम 1, 2, 3, 4, 4 चेन करेंगे, डबल फंदे, सेम जगह पे ही एक और हम यहाँ पे ही बना ले रहे हैं त्रिबुल क्रोशिया, देखिए। 2 यहाँ पर बना लिए, डबल फंदे। इसके नेक्स्ट वाला ये है, इसमें हम ऐसे त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, ऐसे बना लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर डबल फंदे, फिर उसके नेक्स्ट में फिर बनाएंगे, 1 और 1 बना लेंगे, 2, देखिए, 2 2 पूरे में बनाना है हमें। फिर उसके नेक्स्ट में 2 बनाएंगे त्रिबुल क्रोशिया। तो ऐसे बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हम पूरे 18, ये नीचे था 18 था, 18 के ऊपर 2 2 बनाए हैं, यानी 2 2 बनाए हैं, पूरा 36 बनाए ये, यानी 36 बना है पूरा पूरा। और फर्स्ट वन में ले के हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसे हम बांध के कट कर लेंगे यहाँ पे, और इसे हम बैक साइड लगा लेंगे। और ये थोड़ा ऐसे कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा पूरा पूरा, देखिए। अब इसके बाद से कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे, बांध के धागे को खींचेंगे, पफ बनाएंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 3 चेन फंदे लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट में यहाँ पर हम ऐसे, ये देखिए, एक छोड़ के, यानी 2 ये त्रिबुल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, फिर 1, 2, 3, फिर इसके नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, देखिए, फिर 1, 2, 3 फंदे लेंगे, फिर ये स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 2 छोड़ के, फिर बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 1, 5। फिर 5 टाइम हम धागे खींचेंगे, ऐसे निकालेंगे, फिर 3 चेन, 3 चेन करना है, एक पफ बनाना है, 3 चेन करना है, एक पफ बनाना है, 2 2 ऐसे छूटेगा, बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हमने ये राउंड कंप्लीट किया, पूरे 2 2 छोटे छोटे ऐसे हम बनाए हैं पूरा। अब पहले वाले में लिए के हम ट्रेंड करेंगे ऐसे। अब उसके बाद जो चेन है फर्स्ट वाला, इसमें बनाएंगे हम ऐसे बांध के, 1, 2, 3, 4, 4 चेन, डबल फंदे, त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, डबल फंदे, फिर से 1,
दो तीन, डबल फंदे, फिर से एक दो तीन। देखिए चार हम बना लिए ट्रिपल क्रोशिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन कर लेंगे, डबल फंदे, सेम जगह पे फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार। देखिए फोर हो गया। फिर यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, और इसके नेक्स्ट वाला ये चेन है, इसमें हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर इसके नेक्स्ट वाला चेन है, इसमें ज्वाइंट करेंगे, देखिए ऐसे, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन, डबल फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर हम बनाएंगे सेम चीज़ें, देखिए ऐसे, एक दो तीन चार, फिर से हम चार ऐसे बना लिए, देखिए यहाँ पर ऐसे बनाने के बाद से, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, डबल फंदे, फिर से सेम चीज़ें बनाएंगे यहाँ पर, एक दो तीन चार, फिर से हम चार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फोर ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद फिर से हम सेम चीज़ें बनाएंगे यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर इसके नेक्स्ट में ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे फोर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर फाइव चेन करेंगे, फिर फोर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद फाइव चेन करके नेक्स्ट वाले में ज्वाइंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में ज्वाइंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे ऐसे, देखिए तो ऐसे बना कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ये बनाया हुआ है, अब ऐसे बना के देखिए पहले वाले में लेके हम फिर ज्वाइंट करेंगे और इसे कट करके निकाल लेंगे, तो पूरा ये सिक्स फ्लावर का हुआ है ऐसे। अब इसमें बनाएंगे ज्वाइंट करेंगे हम, तो इसके लिए हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, ये बनाए इसमें हम ऐसे दो चेन करेंगे, फोर बना के ट्रिपल क्रोशिया दो चेन कर लेंगे, यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे ऐसे लेके, और हम इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर दो चेन करेंगे और डबल फंदे लेके सेम जगह पे फिर से बनाएंगे हम, एक दो तीन चार, फोर ट्रिपल क्रोशिया फिर से बना लिए, देखिए ऐसे बना लिए, यहाँ पर दो चेन करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाला ये फाइव चेन का है, इसमें ज्वाइंट करेंगे हम, देखिए यहाँ पर फिर दो चेन करेंगे और यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे, ये बनाए इसके नेक्स्ट में, फिर दो चेन करेंगे और ये बीच वाला फाइव चेन का है जो, इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर दो चेन करेंगे, इसके नेक्स्ट में यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर दो चेन करेंगे और ये लास्ट वाला जो चेन है फाइव चेन का, इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर दो चेन करेंगे और डबल फंदे लेके फिर हम इसमें बनाएंगे, तो एक दो तीन चार, चार ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो चेन, और उसके बाद से फिर ये वाला जो है ये फाइव चेन का, इसमें हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दो चेन, डबल फंदे ऐसे, एक दो तीन चार,
अब उसके बाद फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन, फिर इसके नेक्स्ट में ज्वाइंट करेंगे, फिर फाइव चेन करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट में ज्वाइंट करेंगे, इधर बना के हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये दोनों ज्वाइंट कर लिया, यहाँ से स्टार्ट किए हम और ये बीच में फाइव फाइव चेन करके इसमें ज्वाइंट किए हैं, फिर इधर ये ज्वाइंट किए हैं, उसके बाद बना लिए हैं फिर से। तो अब यहाँ पर हम दूसरा टिक्की ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये बनाया हुआ है, अब देखिए दो चेन कर लिए हैं, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे ऐसे लेके, ऐसे फिर दो चेन, फिर सेम चीज़ हमें बनाना है डबल फंदे लेके और त्रिबुल क्रोशिया हम बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार त्रिबुल क्रोशिया फिर बना लिए। अब उसके बाद फिर एक दो दो चेन करेंगे यहाँ पर, इसके बगल में ये है फाइव चेन का, इसमें ज्वाइंट करेंगे हम पहले ऐसे, फिर दो चेन करेंगे और फिर इसके बगल में जो ये है चेन यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, फिर दो चेन करेंगे, फिर इसके बगल में ये मिडिल में है जो फाइव चेन का, इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर इसके नेक्स्ट वाले में ज्वाइंट करेंगे हम, फिर एक दो चेन और फिर ये इधर का ये है तीसरा वाला, इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दो चेन और डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे हम। तो यहाँ पर पहले हम चार त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन एक चार, चार त्रिबुल क्रोशिया से बना लिए देखिए। अब उसके बाद से फिर हम यहाँ पर दो चेन करेंगे, एक दो दो चेन, अब इसमें हम यहाँ जॉइंट करेंगे ऐसे लेके और इसके बीच में ऐसे डाल के जॉइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन डबल फंदे, फिर यहाँ पर सेम चीज़ है, एक दो तीन और एक यहाँ पर चार, फिर से चार त्रिबुल क्रोशिया हम बना लिए देखिए, फिर यहाँ पर दो चेन करेंगे, फिर इसके बाद वाले में जो जॉइंट किए हैं इसके बाद ये है जो इसमें जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन जो बनाए इसके बगल में ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन, फिर ये मिडिल में जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन, फिर इसके नेक्स्ट वाले में जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन और ये लास्ट वाला चेन है इसमें जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन करेंगे और उसके बाद से हम फिर ये जो है इसमें फिर से फोर त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार, फिर से हम बना लिए फोर त्रिबुल क्रोशिया, फिर दो चेन करेंगे और फिर ये जो बनाए हैं इसमें जॉइंट कर लेंगे ऐसे, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर फोर त्रिबुल क्रोशिया, सेम चीज़ फिर बना लेना है, एक दो तीन चार, फिर से हम फोर बना लिए यहाँ पर, उसके बाद फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन, फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर फाइव चेन बनाएंगे, यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर फाइव चेन बना के सेम चीज़ें ये बनाएंगे हम। तो ये बना ले रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ से ज्वाइंट किया, यहाँ से स्टार्ट किए और उसके बाद से दो दो चेन करके ये तीनों में ज्वाइंट कर लिए, फिर ये मिडिल में ज्वाइंट किए दो चेन करके, फिर ये तीनों में, फिर यहाँ पर, तो पूरा हमारा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नाइन जॉइंट पड़ा है ऐसे, और इधर हम जॉइंट किए थे तो एक दो तीन चार पाँच फाइव जॉइंट पड़ा था ऐसे, तो ऐसे ही बनेगा। फिर इधर हम जॉइंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे, फिर ऐसे ही इधर से बनाएंगे। तो हम और बना ले रहे हैं, फिर और दिखा रहे हैं। देखिए हमने ऐसे मिडिल में एक
और ऐसे करके हमने पूरा इसमें 6 टिक्की ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर 7 नंबर टिक्की यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, यानी 7वां टिक्की यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ज्वाइंट पड़ेगा, यहाँ पर 13 ज्वाइंट पड़ेगा पूरा पूरा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले में ऐसे 2 चेन करके हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर 2 चेन करेंगे, डबल फंदे, फिर से त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 2 3 4 फिर से 4 त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 चेन करेंगे। अब यहाँ से जॉइंट स्टार्ट करेंगे, पहला इसमें, फिर 2 चेन, और यहाँ पर फिर 2 चेन, फिर इसके मिडिल में फिर 2 चेन, इसमें फिर बनाएंगे ऐसा। तो इधर जॉइंट करेंगे, फिर ऐसे बनाते हुए पूरा हम जॉइंट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ 7 टिक्की ज्वाइंट कर लिया। आप चाहें तो 19 टिक्की का बना सकते हैं और 12 टिक्की ऊपर लगेगा, यानी 12 टिक्की इसके ऊपर लगेगा तो 19 टिक्की का बन जाएगा ये। तो आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे बनाएंगे, उसके बाद इधर से ऐसे बनाते हुए आप लोग पूरे राउंड में बना सकते हैं। अब हम इतना पर बनाए, इसके आगे का डिजाइन हम बता रहे हैं। इस पर बनाने के लिए ये देखिए, ये दोनों जॉइंट है, यहाँ पर हम बनाएंगे। यहाँ पर बनाने के लिए हम मैरून कलर धागा ले रहे हैं, यहाँ पर इसे हम बैक साइड ऐसे घुमाएंगे, बैक साइड घुमा के और ये धागा लेके जो ये जॉइंट है देखिए बीच में जॉइंट किए हैं उसके इस साइड हम एक जॉइंट करेंगे, पहले ऐसे बांध लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे। अब दूसरे साइड ये है चेन, इसमें अब ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए अब उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे, बैक साइड से ही हम ये बना रहे हैं अभी। और इसमें ये देखिए ये जो है इधर 5 चेन का यहाँ पर लेके जोड़ लेंगे, जॉइंट कर लेंगे ऐसे। देखिए अब उसके बाद 1 2 2 चेन करेंगे, उसके बाद हम सीधा साइड हो जाएंगे। देखिए सीधा साइड ऐसे घुमा लेंगे, सीधा साइड घुमाएंगे, देखिए 5 चेन करके और इधर 5 चेन करके ये जॉइंट किए हैं उल्टा साइड से। अब यहाँ पर सीधा साइड करके 3 फंदे लेंगे और इसमें हम 1 2 3 4 फोर्थ क्रोशिया बनाएंगे हम, फिर 1 2 2 चेन करेंगे, डबल फंदे सॉरी त्रिबुल फंदे लेंगे, 3 फंदे लेके फिर 1 2 3 4 फोर्थ क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 3 3 फंदे, फिर से 3 4, फिर 2 चेन, 3 फंदे, फिर 1 2 3 4। देखिए तो इसमें 2 4 1 5 हुआ, हमें इसमें 10 बनाना है। 2 चेन 3 फंदे फिर ऐसे बनाएंगे, तो इसमें 10 बनाना है पूरा। तो देखिए हमने 10 ऐसे बना लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इस पर बना लिए हैं हम। अब उसके बाद से जैसे यहाँ पर जॉइंट करके ये बनाना स्टार्ट किए थे इस जगह पे, वैसे ही इधर ये जगह है देखिए ये वाला जगह पे हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे और इसे ऐसे बांध लेंगे। अब इसे हम कट करके निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए अभी हो गया, सेम ऐसे ही हम पूरा पे बना लिए हैं, जितने ये कॉर्नर पे है सारे जगह बना लिए हैं। देखिए अब इसके बाद से तो फिर से हम मैरून कलर से ही बनाएंगे। तो जो ये बीच में देखिए ये है, इसके बीच में से ऐसे जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे, इसके बगल में जो ये चेन है इसमें ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन। अब ये मिडिल वाला चेन है इस पर नहीं बनाएंगे, अब ये जो बनाए हैं इसमें ये 2 छोड़ के हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। देखिए उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन, फिर 2 छोड़ के यहाँ पर एक में जॉइंट करेंगे एक में नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर ये स्किप करेंगे यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर ये स्किप करके यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। देखिए
अब उसके बाद से 1 2 3 4 5 फाइव चेन, और जो ये दोनों हैं इसके बाद वाला जो है हमें ऐसे ज्वाइंट करना है, जो ये है मिडिल में फिर नहीं ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे डायरेक्ट। फिर जैसे इधर ज्वाइंट किए सेम वैसे ही उधर ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 चेन, फिर ये बीच में, फिर 1 2 3 4 5 फाइव चेन, फिर यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 फाइव चेन, फिर ये मिडिल में नहीं ज्वाइंट करेंगे देखिए, फिर यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5 फाइव चेन, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, फिर मिडिल में नहीं करेंगे, फिर यहाँ से ये दो छोड़ के यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। तो बना ले रहे हैं हम पूरे राउंड में ऐसे, तो देखिए हमने ऐसे बना लिया पूरे पे। हम यहाँ पे बीच वाले में छोड़ दे रहे हैं, यहाँ ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप लोग बना लीजिएगा अपना देख के। ये हम फाइव फाइव चेन कर रहे हैं, आप चाहें तो सेवन सेवन चेन करके भी बना सकते हैं। अब फिर यहाँ पर जहाँ से पहला स्टार्ट किए थे वहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और उसके बाद से ऐसे फ्लैट स्टिच से हम एक चेन करके ऐसे फ्लैट स्टिच, फिर एक चेन, एक फ्लैट स्टिच करके मिडिल में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 फाइव चेन करके और ऐसे धागे को खींच के हम पफ बनाएंगे, 1 1 2 3 4 5। इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे चेन को, क्रोशिए पर चढ़ाएंगे, ऐसे बांध लेंगे, 1 2 3 4 5 फाइव चेन, और इसके बाद वाला ये चेन है इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे देखिए। फिर से 1 2 3 4 5 फाइव चेन, फिर धागे को खींचेंगे सेम जगह पे ही ऐसे धागे खींच के पफ बनाएंगे, 1 1 2 3 4 1 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे चेन को, क्रोशे पर ऐसे चढ़ा के ऐसे बांध लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 फाइव चेन, फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे चेन में, जो चेन बनाए हैं उसमें हमें ज्वाइंट करना है, ऐसे फाइव फाइव चेन करके बनाना है। तो ऐसे सब में बनेगा, हम बना कंप्लीट करते हैं। देखिए ये चारों तरफ से हमने बना के तैयार कर लिया। डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसे बनाने में हमारा 75 ग्राम उलन लगा है, यानी 75 ग्राम उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।